दोस्तों पहले की बात कुछ और थी, जब लोग गांव में बिजनेस को कम महत्व देते थे और शहरों को बिजनेस के लिए सबसे बढ़िया जगह मानते आज थे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप गांव में रहकर कम बजट में, कम इन्वेस्टमेंट में आप एक अच्छा बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। दोस्तों जिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग गांव से शहर जाते हैं, अगर उसकी आवश्यकताओं को समझ लिया जाए और उसे स्मार्ट तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ काम किया जाए तो शहरों की अपेक्षा गांव में कई गुना मुनाफा कमाया जा सकता है। दोस्तों गांव में बिजनेस करने पर एक छोटी सी परेशानी यह है, इवन यह परेशानी छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी है, और यह है कि गाँव में कई सारे कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने में हम थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस करते हैं, जबकि यही कार्य शहर में एक अच्छे बिजनेस के रूप में और बड़े पैमाने पर किया जाता है। साथ ही इसमें भारी मुनाफा भी कमाया जाता है। जहां तक बात यह है शर्मिंदगी की, तो हमें काम के प्रति शर्मिंदगी तब महसूस होनी चाहिए जब हम कोई गलत काम कर रहे आपने हैं। यह यह फेमस डायलॉग तो जरूर सुना होगा, कोई धंधा छोटा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। दोस्तों कोई भी बिजनेस जो हमारा घर चलाता है वह छोटा कैसे हो सकता है, और याद रखिए हर बिजनेस शुरुआत में छोटा ही होता है। तो चलिए जानते हैं गांव में चलने वाले कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में। दोस्तों उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही बिजनेस आइडियाज मिलते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, किराना की दुकान। दोस्तों गाँव में चलने वाला बिजनेस के लिए किराने की दुकान खोलना एक अच्छा विकल्प माना जाता है। अगर आपके पास इस व्यापार को शुरू करने के लिए पर्याप्त पैसे हैं तब आप इस व्यवसाय को आरंभ कर सकते हैं। इसे आप 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये की लागत से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप इसकी शुरुआत बड़े लेवल पर कर सकते हैं। मुझे खुद इस चीज़ का अनुभव है क्योंकि हमारी भी शुरुआत किराने की दुकान से हुई थी जो आज भी चल रहा है। अगर इसका आप तो थोक किराना बिजनेस का व्यापार करना चाहें तो भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 2, गांव में चलने वाला बिजनेस, मुर्गी पालन व पोल्ट्री फार्म। दोस्तों मुर्गी पालन व पोल्ट्री फार्म ऐसा बिजनेस है जिसमें मुनाफे के लिए आपको लंबे समय तक रुकना नहीं पड़ता है। इस बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि इसे बिना किसी विशेष कौशल के शुरू किया जा सकता है, परंतु इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्म का बिजनेस में मेहनत नहीं करना पड़ता है। इसमें आपको दिमाग भी चलाना पड़ता है, साथ ही मेहनत भी करनी पड़ती है, साथ ही कई सारे दांव पेच भी आजमाने पड़ते हैं। नंबर 3, गांव में चलने वाला बिजनेस, टेंट हाउस और डीजे सर्विस। दोस्तों शादियों, पूजा कार्यक्रम व अन्य प्रोग्रामों में टेंट की आवश्यकता तो आपको पड़ती ही होगी। टेंट और डीजे गांव में चलने वाला बेहतरीन बिजनेस माना जाता है, क्योंकि लोग गांव में टेंट व डीजे न होने के कारण शहरों पर निर्भर रहते हैं। यह एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। नंबर 4, गांव में चलने वाला अनाज खरीद बिक्री। दोस्तों अनाज आप सीधा किसान से खरीद कर उसे अच्छे मुनाफे पर बाजार में बेच सकते हैं। इसकी बिजनेस की स्टार्ट करते समय आपको ज़्यादा पैसे भी नहीं लगाने होते हैं। नंबर 5, गांव में चलने वाला बिजनेस, हेयर सैलून व ब्यूटी पार्लर। दोस्तों आज के दौर में फैशन का दौर है, चाहे वह गाँव हो शहर हो, तरह तरह के यहाँ पर हेयर स्टाइल, हेयर कलर, बालों की सेटिंग, भावों की सेटिंग, मेकअप इत्यादि कराना सभी जगह सामान्य हो गया है। गांव में हेयर सैलून व ब्यूटी पार्लर का बिजनेस बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। नंबर 6, गांव में आप सवारी का बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों गांव में सवारी बस चलाने का आइडिया एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कम पैसे में एक छोटे रिक्शे से शुरू करके फिर वो बड़ी बस चलाने लगे हैं। तो आप स्टार्टिंग में एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप ई रिक्शा या फिर आप ऑटो ले सकते हैं। नंबर 7, बकरी पालन। दोस्तों किसी भी पालन संबंधित व्यवसाय जैसे बकरी पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि, जैसे आप पशुपालन में आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा पूंजी भी नहीं लगानी पड़ती, साथ ही आपको पशुपालन लोन भी आसानी से सरकार द्वारा मिल जाता है, और साथ ही इसमें आपको सब्सिडी भी दी जाती है। दोस्तों नंबर 8, जिम सेंटर। दोस्तों जिम जाकर अपने शरीर को आकर्षक बनाने का कार्य पहले केवल शहरों में किया जाता था, परंतु आज के समय में गाँव भी किसी शहर से कम नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें जिम करने में विशेष रुचि रहती है। आप जिम खोल कर उसकी इस जरूरत को आप पूरा कर सकते हैं। नंबर 9, ऑनलाइन कार्य। दोस्तों गांव में ऑनलाइन काम करने का बिजनेस सबसे बढ़िया बिजनेस आइडिया है। इसके अंतर्गत आप फॉर्म भर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आधार कार्ड बना सकते हैं, पैन कार्ड, सर्विस इत्यादि चीजें आप करके पैसा कमा सकते हैं। खाद व बीज का बिजनेस। दोस्तों गांव में कृषि कार्य अधिक होता है, इसलिए खाद और बीज की समस्या गाँव के लिए अहम भूमिका निभाती है। प्रत्येक किसान को कृषि संबंधित सामान जैसे खाद और बीज के लिए शहर जाना पड़ता है। ऐसे में आप बीज और खाद का बिजनेस करके
अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो आप ये बिजनेस स्टार्ट करिए, अपना जो शर्म है, जो शर्मिंदगी है किसी काम को करने के प्रति, उसको आप खत्म करिए और आज ही अपने बिजनेस के बारे में सोचिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आपको इस चैनल पर ऐसे ही बिजनेस से रिलेटेड आइडियाज मिलती रहेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।